एक प्रश्न और भी है कि अखिलेश जी ने पहले केजरीवाल की तरह देखा देखी एक तारीख दी थी कि भाई लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही योगी जी हटा दिए जाएंगे। आज मैं सुन रहा था कुंदर की उन्होंने नई डेट दे दी है, बोले जैसे महाराष्ट्र का नतीजा आएगा योगी जी हटा दिए जाएंगे, मेरे दिल्ली बात हो गई, पक्की सूचना है, बिल्कुल तय हो गया। क्या जो पहले डेट दी थी वो तो 6 महीने गुजर गए, क्या अब नई डेट दे दी? मतलब समझना चाह रहे ये अब की पक्की वाली है कि नहीं, तो इनसे पूछे फिर बीजेपी वालों से, या पहले जैसी है ये भी ढीली डाली? अमिताभ जी देखिए, जो बातें केजरीवाल जी ने कही थी या जो बातें हमारे राष्ट्रीय जी ने कही थी वो बातें तो आपने देखा होगा। उसके बाद चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से उनके एक राजदरबारी जो कि जिनको स्टूल मंत्री भी कहा जाता है, राजदरबारी का आपने दौड़ देखी थी ना, दिल्ली से लेकर दौलताबाद, वो उस जमाने में इस बहस में नहीं पड़ रहा, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी ने कहा हमारे नई तारीख मिल गई, दिल्ली बात हो गई, सब सेट हो गया, आप बिल्कुल पक्की जानकारी लिख के रख लो। तो मैं पूछ सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ, ये पहले जैसी फर्जी तो नहीं निकलेगी तारीख, क्योंकि ये तो 23 तारीख को तय हो जाएगा, 23 को रिजल्ट आ जाएगा, 24 को हम फिर पूछेंगे कि भैया योगी नहीं हटाए गए कि हटाए गए, हटाए गए तो मैं जय जय करूंगा आपकी, कहूंगा भाई आपके अध्यक्ष बड़ा, उनके पास जानकारी अद्भुत थी, और नहीं हटाए गए तो फिर मैं कहूंगा फर्जी थी जानकारी। अशोक जी देखिए, अमिताभ जी जो बातें बोली जाती हैं राजनीति में वो बातें संभावनाओं के आधार पर बोली जाती है, पक्की नहीं बोलते फिर उनको, अखिलेश जी ने कहा पक्की है बात, मैं बता रहा हूँ जो जो बातें माननीय हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा था वो बातें 90% सच हुई थी। पिछली बार देखिए जो लगातार आप ही लोग को चलाते थे, अशोक जी रुक जाओ महाराज, अब ठीक है, अब रुक जाओ, मैं कहूंगा तब फिर ऐसी बात जब बचने के लिए गली तलाशनी हो तो मैं एक मित्रवत सलाह दूंगा भाईवत, तो संभावना उम्मीद है ऐसा हो सकता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, फिर ये ना कहो पक्की लिख के रख लो, उसमें फजीहत ज्यादा होती है। एक गली खुली रखो ना, डॉक्टर ने बताया कि तलवार ठोको, तलवार लेके चलो, गोल बोल जवाब दे दो, हो जाए तो क्रेडिट ले लो, नहीं हो जाए तो पतली गली से निकल जाओ। अब आप तो माइक देख के बिल्कुल ललकार देते हो। मैं आनंद दुबे के पास आऊं, उससे पहले एक बात मैं कहूंगा कि एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, और लखनऊ में जो सैनिक स्कूल है ना सरोजनी नगर में अशोक जी, उसमें द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा लगी बड़ी, विवेक जी उस प्रतिमा के नीचे लिखा इस महाभारती समर भूमि के शिक्षक द्रोणाचार्य हैं। क्या संत का काम केवल ठाकुर जी की पूजा करना, भोग लगाना, भजन गाना ही नहीं है भारत में, क्या संतों ने अग्नि का धर्म निभाया है, अग्नि का धर्म निभाया है। आप तो कह रहे भगवा अशोक जी, मथुरा में मुगलों को सबसे बड़ा प्रतिरोध, सबसे कड़ा प्रतिरोध, सबसे निर्णायक प्रतिरोध संतों ने दिया था, संतों ने। विवेक जी कन्नौज से मथुरा बहुत दूर नहीं है, एक्सप्रेस अब तो एक्सप्रेस वे, देखिए अयोध्या में मणिराम दास की छावनी जो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का निवास है, वो मालूम है ऐसी छावनियां क्यों बनी थी? तीन छावनियां बनी थी, तीन या चार, चारों दिशाओं में, चार शायद है ना, उनमें संत थे लेकिन वो योद्धा थे। खड़गे जी ने पता नहीं इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे और भजन भी करते थे, पूजा भी करते थे। खड़गे जी ने तो लाइन खींच दी, बोले भगवा पहनो तो बाहर जाओ। आनंद जी भगवा पहनो तो बाहर जाओ एक, और दूसरा प्रश्न अखिलेश जी ने कहा है कि आप पहले वाली जैसी कच्ची बात नहीं, आपकी पक्की है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 24 को बाबा हटा दिए जाएंगे। अमिताभ जी मैं दोनों पर बारी बारी से जवाब, पहला तो मैं खड़गे जी के बयान पे आता हूं, कांग्रेस पार्टी देखिए भगवा जो है वो सिर्फ बहाना है, असल निशाना जो है वो सनातन है, हिंदू, और ये कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर हमेशा से रहा है। भगवा से किस कदर नफरत है कि इंदिरा जी ने
साधु संन्यासियों को गोलियों से छलनी करा दिया और करपात्री जी महाराज ने श्राप तक दे डाला। इसके बाद देश भर में कांग्रेस के शासनकाल में दंगे हुए और न जाने कितने भगवाधारी और कितने लोग उसमें मारे गए। इसके अलावा जब इतने से भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने एक कपोल कल्पित भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, जो इनके खुद के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार सिंधे ने स्वीकार किया कि ये थ्योरी गढ़ी गई थी, मैं नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी गढ़ी गई। इसके अलावा लगातार पिछले दिनों आपने देखा सनातन मक्खी है, मच्छर है, एड्स है और रामचरितमानस, भगवान राम कोई बचा नहीं, आराध्य से लेकर श्रद्धालु तक किसी को कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने छोड़ा नहीं, चुन चुन कर गालियां दी, चुन चुन के इनकी नफरत जो है वो सामने आई। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने तो तमाम उदाहरण दिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये मुगलों से भी पहले जब सिकंदर इस देश में आया और सिकंदर की सेनाओं के सामने सबने घुटने टेक दिए, क्या तक्षशिला, क्या उस इलाके के राजा महाराजा, यहां तक कि जब आचार्य चाणक्य मगध तक आए सहायता मांगने और धनानंद ने जब उनको इनकार कर दिया, तब आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, प्रलय और संभावनाएं उसकी गोद में खेलती हैं और मेरे शिक्षा में ताकत होगी तो अपना भरण पोषण करने के लिए मैं तुम जैसे सम्राटों का निर्माण करता। और जब राजाओं महाराजाओं ने लड़ने का काम छोड़ दिया, देश की रक्षा का काम छोड़ दिया, तो गुरुकुल ने, आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में गुरुकुल ने सिकंदर की सेना को भूल चटाया और चंद्रगुप्त को उठा के मगध का सम्राट बनाया। यह ताकत है भगवा की, यह ताकत है सनातन की। भगवा ने सदैव देश के लिए न्यौछावर किया है खुद को। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, लूट अपहरण बलात्कार दंगा, यह उत्तर प्रदेश में होता था, यह बना के छोड़ा था अखिलेश यादव जी ने। लेकिन आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, और जिस योग्यता की बात ये कर रहे थे ना, तो तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। योगी जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी योग्यता को सर्टिफाई किया है। अखिलेश यादव जी बात करेंगे, जिनको पार्टी तक सत्ता तक पिता की वजह से मिली, जिनकी पत्नी दो दो बार चुनाव हारी, डिंपल यादव जी, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 14 के बाद से लेकर लगातार चुनाव हारने का ही रिकॉर्ड, कांग्रेस पार्टी बात बात में उनको बेइज्जत करती है और वो योगी जी की योग्यता पर सवाल उठा रहे। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पता है कि ये सभी की सभी सीटें वो हारने जा रहे हैं, उपचुनाव में उनका बोरिया बिस्तर बंधना तय है, इसलिए बौखलाहट खलबलाहट बहुत तेजी के साथ। और महाराज जी, आनंद जी, एक मिनट, आप कह रहे हो कि भाई इसलिए सपा में गुस्सा है, और आप, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था कुंदरकी में, वो कह रहे थे कि योगी जी गुस्से में है चूंकि उनकी कुर्सी जा रही। देखिए ये जिन लोगों की कुर्सी जनता ने छीन ली है ना 2017 में, और उसके बाद से वो लगातार कुर्सी को ही निहार रहे हैं और कुर्सी लगातार उनसे दूर हो रही, तो अब उनके सपनों में भी कुर्सी आती है, फिर वो उलझुलूल बातें करते हैं, फिर न जाने किस किस तरह की कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। देखिए हकीकत यह है कि जनता अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत झूठ बोल के अमिताभ जी, थोड़ा बहुत झूठ बोल के, थोड़ा बहुत जनता को बरगला कर, खटाखट फटाफट 1,00,000 रुपए का सपना दिखा के कुछ एक सीट जो इनको मिल गई उत्तर प्रदेश में, इससे इनको लगा कि काट की हांडी बार बार चढ़ती है। लेकिन हरियाणा में ये कह रहे थे ना संविधान 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 की रक्षा, इनसे पूछिए हरियाणा में क्या हुआ,
हरियाणा में भी तो यही लेके गए थे, जनता ने धूल चटा दिया। ठीक है आनंद, अभी रुकना होगा भाई आनंद जी, अभी अभी आपके डिबेट पर एक बात और कह के जा रहा हूं अमिताभ जी। महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह भयानक हार इंडी गठबंधन की होने वाली जी। ठीक है, अगर चुनाव होते रहे अशोक भाई तो कम से कम जो लोगों की उपेक्षा की जाती है उनके भी कुंडी खटखटा दी जाती है। साल भर से आजम खान सीतापुर में और अब्दुल्ला उनका बेटा हरदोई जेल में बंद, क्या पत्नी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई? नहीं, वो भी जेल होती। अब कुंदरकी और मीरापुर और सीसामऊ, इन तीनों विधानसभाओं की का कंपोजिशन ऐसा जिसमें वे मुस्लिम बाहुल्य है, तो आज साल भर बाद आजम खान के घर की कुंडी खटकी है, अखिलेश जी गए हैं, वरना सपा का कोई बड़ा नेता आजम खान की गली नहीं गया, न जेल में मिलाई करने गया, न रामपुर में जो उनका मकान है वहां गया। अशोक जी देखिए, अमिताभ जी चुनाव से इसको जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। हमारी पार्टी की पूरी लीगल टीम, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का पूरा हर तरह से सहयोग, हमारे जो पूर्व मंत्री माननीय आजम खान जी को या हमारे जो पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी को, सबको हम लोग लीगली और हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। इसमें किसी घर जाना उसको चुनावी दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अभी आनंद भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की आचार्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य की, एक प्रसंग छोटा सा मैं भी उसी में जोड़ देता हूँ। देखिए, जब आचार्य चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जब सत्ता सौंपनी थी तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो है आचार्य चाणक्य के कदमों में गिर गए और कहे कि गुरुवर सत्ता आप संभालिए। तो आचार्य जी ने एक बात कही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य देखो सन्यासी सत्ता नहीं संभाल सकता क्योंकि वो परिवार उसके पास नहीं होता है, और जो परिवार नहीं होता वो परिवार का दुख दर्द नहीं जानता है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य तुम सत्ता के सुयोग्य हो, तुम सत्ता को संभालो, तुम सबका दुख दर्द समझोगे और उसी हिसाब से जो है आगे काम करोगे। ये बात तो भूल गए थे आनंद भाई, मैंने उसको जोड़ दिया उसी। अच्छा अच्छा, क्या याद दिला दिया आनंद? आगे दोबारा देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का ये कह रहे हैं परिवार नहीं, मोदी जी का परिवार। योगी जी के लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी परिवार हैं, इसीलिए वो सबकी भलाई का काम करते हैं, और मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतवासी परिवार है इसलिए उनकी भलाई का काम करते हैं। लेकिन ठीक है, सपा के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ही परिवार है, इसीलिए उनकी भलाई का काम करते हैं। ठीक ठीक, अशोक जी थोड़ा सा ये उदाहरण से बचते तो जो सपा के लिए ठीक था। मुझे क्यों चाणक्य को छोड़िए, चंद्रगुप्त छोड़िए, वो तो कौन बहुत पुरानी बात हो गई, आनंद ले आए उसका जिक्र, लेकिन लोहिया जी आपके कुल वशिष्ठ हैं, कुल गुरु हैं, क्या गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे जिनकी कृपा धनुज रन मारे, क्या तो लोहिया जी आपके कुल गुरु हैं, उन्हीं से सब वंशावली बनी आप लोगों की, उन्हीं का फोटो है आपके पास, उनसे सवाल हुआ, उनको तो गए बहुत समय नहीं हुआ। अशोक जी ये सुना के कह रहे हो, इस पर जवाब सवाल नहीं, सुना बस सुना दे रहा हूँ, प्रसंग लोगों के दिमाग में रहे, फिर मनीष के पास चलूंगा, विवेक जी के पास। उनसे पूछा कि भाई आप अपने, आपकी तो कोई शादी ब्याह है नहीं, कोई बाल बच्चा भी नहीं, जो आप सबसे बड़ा अयोग्यता मान रहे हो मोदी और योगी की, कि इनके परिवार में कोई संतान क्यों नहीं है, ब्याह क्यों है ना, योगी जी ने शादी क्यों नहीं की, ये गुनाह क्यों किया, और मोदी जी के संतान को, लोहिया ने भी शादी नहीं की और कोई संतान नहीं था। तो लोगों ने पूछा कि आप अपने चाचा ताऊ के लड़के बच्चे हैं जो मामा भांजे जो हैं, इनको तो कम से कम एमएलए एमपी बना दो। तब तक 8 राज्यों में सरकार, संविध सरकार आ चुकी थी, लोहिया के टेलीफोन पर मंत्री बन रहे थे, मंत्री हट रहे थे, क्या अशोक जी? तो मालूम लोहिया ने क्या कहा? लोहिया ने कहा मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा था नेता को अपना परिवार रखने की क्या जरूरत है, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है। अशोक जी आप सारी लड़ाई सैफई में ले जा खड़ी कर दिए, यही गलत किए। अब सैफई में लड़ाई खड़ी करोगे तो कोई बताएगा 40 लोग लाल बत्ती में, कोई कहेगा 48 लोग लाल बत्ती में, सबसे बचिए।
खैर मनीष जी, एक बात मुझे और याद आती है, खटके जी बड़े बूढ़े हैं इसीलिए मुझे चिंता ज्यादा है कि इस देश में जो अखाड़े हैं ना, अग्नि अखाड़ा, पंचदशनाम अखाड़ा, जूना अखाड़ा, जो अखाड़े हैं ये आदि शंकराचार्य भगवान ने इनकी निर्मिति की थी, इनकी संरचना की थी, इनको भजन गाने के लिए नहीं बनाया था क्या? कीर्तन के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए भी नहीं बनाया था क्या? सत्यनारायण कथा सुनाने के लिए भी नहीं बनाया था? इनको किस लिए बनाया था? युद्ध में पारंगत रहिए, ताकि म्लेच्छ भारत की आत्मा को जब भी कहीं से प्रभावित अपमानित करने की कोशिश करें तो प्राण दीजिए, बलिदान कीजिए, इसलिए अखाड़े बने थे। मनीष जी, इस बात को कोई झुठला सकता है? अनम्यूट करो भैया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि शंकराचार्य जी ने भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए यात्रा की। गुरु गोविंद सिंह ने अपना सैनिक चोला क्यों पहना? वो तो सिखों के दशम और अंतिम गुरु हैं। क्या क्या खड़गे साहब उनके बारे में भी ये बात कहेंगे? मुझे तो इसमें कांग्रेस की ऐसी साजिश लगती है कि जो भी विवादास्पद बयान देना है खड़गे साहब को दे दो। पहली बात तो खड़गे साहब इंडिया के नहीं है, दूसरे बुजुर्ग हैं, तीसरे दलित हैं। अगर इनको कोई आक्रमण करेगा तो दलित पर आक्रमण कह देगा, जैसे ही तुरंत भाजपा को कह देंगे कि साहब ये तो दलित विरोधी है इसलिए खड़गे का विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ खड़गे साहब को तो इन्होंने वो बकरा बना दिया है जो बाप को पकड़ने के लिए इनको सामने कर देते हैं। तो ये एक्सेप्ट किया है।